हाय दोस्तों, मैं हूं अब्राहम। आज इस यूट्यूब वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस तरह मूविंग बॉक्स एनिमेशन बनाते हैं। तो इसके लिए मैं HTML प्रोग्रामिंग से आपको मैं एक एनिमेशन बनाऊंगा जिसमें एक बॉक्स होगा लाल रंग का। जो बॉक्स है वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएगा और फिर वापस जिस स्थान से शुरू हुआ है उसी स्थान में ख़त्म होगा, और ये प्रक्रिया चलते रहेगा इन्फिनिट लूप में। तो दोस्तों, इसके लिए पहले तो हमको ES फाइल एक्सप्लोरर आइकॉन में दबाना है। कहाँ गया मेरा ES फाइल एक्सप्लोरर? ऊपर होना चाहिए था। हाँ, ये मेरे बाई तरफ, उसमें दबाया मैंने। थोड़ा इंतज़ार करना है, और यहाँ पर जो है एरो साइन में दबाना है। एरो साइन दबाया तो ये बड़ा हो गया। यहाँ पर जो है दोस्तों नोट एडिटर बोल के मेरे बाई तरफ है, फिर डॉक्यूमेंट्स के नज़दीक में, तो उसमें मैंने दबाया और ये खुला मेरा नोट एडिटर। और इसमें ऊपर एक ऑप्शन है, नाम है एडिट, उसमें और एक बार दबाना है। और यहाँ पर जो है हमको लिखना है एरो ब्रैकेट अपेंड, उसके बाद HTML लिखना है। HTML आया, फिर एरो ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर, और यहाँ पर एरो ब्रैकेट अपेंड। यहाँ पर हम लिखेंगे हैट, ठीक है, हैट दिया, फिर एरो ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पर लिखना है हमको एरो ब्रैकेट ओपन, इसमें लिखना है टाइटल, फिर एरो ब्रैकेट क्लोज, और टाइटल देंगे हम मूविंग बॉक्स, मूविंग बॉक्स, फिर एरो ब्रैकेट ओपन, फॉरवर्ड स्लैश, टाइटल और एरो ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और यहाँ पर जो है हेड एरो ब्रैकेट ओपन, फॉरवर्ड स्लैश, फिर हेड लिखना है, एरो ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर जो है एरो ब्रैकेट ओपन, और इसमें लिखना है बॉडी, बॉडी एरो ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर हम एरो ब्रैकेट ओपन, फिर फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पर लिखेंगे बॉडी एरो ब्रैकेट क्लोज, और जो है लास्ट में हम HTML के लिए एरो ब्रैकेट ओपन, फॉरवर्ड स्लैश, HTML एरो ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर जो है बॉडी के अंदर में हम एक डिवीजन बनाएंगे, आईडी देंगे। ये जो स्पेशल कैरेक्टर है, ये जो इसको दबाकर नीचे खींचना है तो वो फिर चला जाएगा अपने स्थान पे। यहाँ पर आईडी में जो है, और ये इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड कॉमास, दोनों तरफ कॉमा होगा, बीच में कुछ शब्द होगा। तो इसमें मैंने बॉक्स दिया, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, और एरो ब्रैकेट भी क्लोज, और यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, एरो ब्रैकेट ओपन, फॉरवर्ड स्लैश, और फिर डिवीजन लिखना है। बस हो गया हमारा ये बॉक्स डिफ बनाया हमने डिवीजन, और जो ये हेड के नीचे जो है हम यहाँ पर स्टाइल इंक्लूड करेंगे, स्टाइल सी एस सी स्टाइल करने के लिए, इसमें स्टाइल CSC लिखने के लिए हमको पहले स्टाइल लिखना है, फिर एंटर, फिर एंटर। और यहाँ पर जो है फॉरवर्ड स्लैश दिया मैंने, और फिर से STYL स्टाइल लिखा, और फिर एरो ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर जो है हमारा आईडी था क्या, बॉक्स, ठीक है। तो इसमें पहले तो डीप लिखना है, और आईडी लिखने के लिए ये जो स्पेशल कैरेक्टर है इसको दबाकर ऊपर खींचना है, और ये पाउंड साइन को दबाना है आईडी लिखने के लिए, फिर स्पेशल कैरेक्टर को दबाकर नीचे खींचना है। और यहाँ पर क्या था आईडी हमारा, बॉक्स था, तो बॉक्स लिखा मैंने। और यह कर्ली ब्रेसेस खोलना है, फिर एंटर दबाना है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज,
और यहाँ पर जो है हम लिखेंगे बॉक्स, है ना। तो बॉक्स का हाइट कितना होना चाहिए, हाइट दबाकर फिर ऊपर किसना है कॉलन, हाइट देंगे 50px, ठीक है 50px, सेमी कॉलन सेमी कॉलन, और विड्थ देंगे फिर कॉलन लिखना पड़ेगा, इसके लिए दबाकर ऊपर खींचना है, और यहाँ पर विड्थ भी 50px देंगे सेमी कॉलन, फिर दिया हमने। और बैकग्राउंड कलर जो उसका जो कलर होगा, बैकग्राउंड कलर आ गया, और फिर खींचना है कॉलन, बैकग्राउंड कलर देंगे रेड, और सेमी कॉलन दिया हमने। अभी के लिए इतना ही ठीक है, अभी हम देखेंगे किस तरह है हमारा जो बॉक्स, इसको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, ये सबसे ऊपर जो है हरा रंग का है ना, मैंने जो एडिट दबाया था उसी लाइन में देखिए मेरे दाई तरफ सेव, उसमें सेव आइकन है, सेव में दबाया मैंने, और यहाँ पर जो है हम उसका नाम देंगे, हाँ नाम देंगे मूविंग बॉक्स, मूविंग तो लिखा और बॉक्स लिखना है डॉट html लिखना है, ठीक है टिक मार्क किया और सेफ दबाया, सेफ हो गया। अभी बैक दबाना है और इसको स्लाइड करके बाई तरफ स्लाइड करना है, बाई तरफ, हाँ सबसे नीचे आपको दिखाई देगा मूविंग बॉक्स डॉट html, उसमें दबाना है और html व्यूअर सेलेक्ट करना है, थोड़ा इंतज़ार, हाँ आ गया हमारा ये बॉक्स, इसको हम एक स्थान से दूसरा स्थान लेकर जाएंगे प्रोग्रामेटिकली। तो इसके लिए फिर से आपको बैक दबाकर मूविंग बॉक्स डॉट html में दबाना है और यस नोट एडिटर ऑप्शन में दबाना है। अभी जो है दोस्तों यहाँ पर कोई चीज़ करना पड़ेगा जो है कि तेरिए इसमें जो है, हाँ एडिट दबाना है, एडिट में फिर बैकग्राउंड कलर के नीचे हम एनिमेशन लिखेंगे क्योंकि हमको एनिमेशन करना है, एनिमेशन दबाकर ऊपर खींचना है, कॉलन दिया मैंने, और यहाँ पर जो है एनिमेशन का नाम देंगे, क्या देंगे हम एक नाम देते हैं मूव, है ना, मूव दिया हमने, मूव दिया, और स्पीड देंगे 3.5 seconds स्पीड, और इसमें दिया मैंने इस दिया इस फैशन में, वो नीचे धीरे से वो मूव करेगा, ये एक स्थान से दूसरा स्थान से ले जाएगा, और इसमें जो है इन्फिनिट दिया, लूप होगा या इन्फिनिट लूप, मतलब वो चलता रहेगा इन्फिनिट बंद बिना बंद हुए, और इस बार जो है यहाँ पर हम एनिमेशन जो असल में जो एनिमेशन है उसको काम में लाने के लिए एड की फ्रेम्स लिखना पड़ता है, और जो एनिमेशन नाम दिया था हमने मूव दिया, वो मूव दिया मैंने, और कर्ली ब्रेसेस दिया, फिर एंटर दबाया दो बार, कर्ली ब्रेसेस दिया, और यहाँ पर जो है हम ये लिखेंगे 0% देंगे, सॉरी 0% दिया हमने, और फिर से कैलिब्रेशन कैलिब्रेशन ओपन कैलिब्रेशन, और यहाँ पर जो है यहाँ पर हम देखेंगे ट्रांस क्या गया है, ट्रांसफॉर्म लिखना है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म जो है इसमें होगा ट्रांसलेट ट्रांसलेट एक्स, ओके ठीक है, और यह जो है ये सर्कल ब्रैकेट क्लोज राउंड ब्रैकेट ना, तो इसमें जो है ट्रांसफॉर्म एक्स पोजीशन हम देंगे 0, एक्स पोजीशन 0px, ओके फिर इसको बंद करना है और सेमी कॉलन देना है, बस हो गया ये हमारा एक स्थान, ये हो गया, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं,
आपको पता चलेगा थोड़ी देर में ये क्या कर रहा हूँ मैं। तो इसको कॉपी किया मैंने, एंटर दबाना है और जो कर्सर है उसमें दबा कर रखना है और पेज ऑप्शन अपने आप निकल जाएगा, मेरे दाई तरफ निकल गया। उस पेज ऑप्शन में फिर दबाना है तो पेज हो गया। यहाँ पर जो है 0 का अभी 10% देता हूँ, 10% दिया ना, अभी ये 100 पीएक्स दाई तरफ 0 स्थान से दाई तरफ चला जाएगा वो आपने अब सेव किया तो सेव दबाया इसके लिए और वापस बैक दबाना है। फिर मूविंग बॉक्स डॉट html में दबाया और html व्यूअर सेलेक्ट किया, देखा आपने तो अपने आप चला जाएगा वो। तो अभी यही हम ये एनिमेशन करेंगे, ठहरिए फिर वापस दबाना है html मूविंग yes not एडिटर सेलेक्ट करना है, एडिट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर एक पेस्ट करेंगे। अभी जो है दोस्तों इसको दाई तरफ वो दाई तरफ लेकर जाने के बाद इसको हम नीचे लेकर आएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, तो इसको हम 20% देते हैं 20। और ये जो है ये तो होगा 100, ठीक है, जिस स्थान में पहुंचा था उस स्थान से और नीचे लेकर आएंगे। इसके लिए 100 दिया हमने, और जो है इसमें ट्रांसलेट एक्स दिया ना, हम इसको वाई देंगे, वाई पोजीशन दिया और नीचे कितना लेकर आएंगे उसको, चलिए 150px लेकर आते हैं इसको 150px। फिर बंद किया हमने, ठीक है अभी देखते हैं, सेव करके सेव किया हमने, बैक दबाया, फिर बैक दबाना है मूविंग बॉक्स डॉट html में दबाया, html व्यूअर सेलेक्ट किया, हाँ वो आ गया ना। अभी जो है फिर से yes not एडिटर दबाया हमने, एडिट में दबाया, इस बार जो है 20% को हम सेलेक्ट करेंगे, 20% को सेलेक्ट किया, कॉपी दबाया, फिर एंटर दबाया, दबा कर रखा यहाँ पर कर्सर में और पेज दबाया तो हमारा वो पेज हो गया। यहाँ पर जो 30% दिया हमने, अभी जो है दोस्तों 150 में रहेगा क्योंकि और थोड़ा नीचे लेकर आने के बाद और थोड़ा इसको हम दाई तरफ भरा देंगे भराएंगे, इसको 150 ही कर लेते हैं, 150 बढ़ाया, फिर सेव किया, फिर बैक स्पेस, फिर बैक स्पेस, फिर मूविंग बॉक्स डॉट html, फिर html व्यूअर दबाया, हाँ थोड़ा सा लेकर आया और फिर उसके बाद ऊपर लेकर जाएंगे तो इसको दबाया, हाँ yes not एडिटर सेलेक्ट करना है, एडिट दबाना है। यहाँ पर जो है कहा गया फिर एंटर दबाना है और इसमें दबा कर रखना है, दबा कर पेस्ट किया, 20 को 30 था अभी 40 होगा, 40 किया और यहाँ पर जो है वाई पोजीशन जो ठीक है 150 में रहेगा है ना। अभी इस ने क्या किया था हमने 0% में अपना स्थान पहले जिस स्थान से शुरू होगा 10% में वो थोड़ा दाई तरफ आ गया और 20% उस तो वहाँ से नीचे आ गया और 30% में और थोड़ा दाई और 40% ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के लिए वाई को तो 0 करना पड़ेगा और ये वही रहेगा 100% रहेगा, अभी ऊपर जाएगा, ठीक है। बैक बैक मूविंग बॉक्स डॉट html html व्यूअर ओ यस, फिर ओ सही से नहीं हुआ, कुछ गलत है, ये देखना पड़ेगा।
हाँ ये जो है ये 150 होना चाहिए, ये 150 होगा। हाँ 150 150 दिया, ठीक है। अभी जो है ऊपर जाने के बाद और थोड़ा दाई तरफ, और थोड़ा दाई तरफ बढ़ाएंगे, तो इसके लिए फिर पीस देना पड़ेगा। ये जो था 40 था ना, 50 होगा, और ये जो 150 था इसको बढ़ाने के लिए 150 300 करते हैं इसको, 300 किया हमने, और ये जो है 0 होगा, ना देने से भी चलेगा। उसके बाद जो है दोस्तों फिर एंटर दबाना है, और थोड़ा दाई तरफ लेने के बाद इसको नीचे लेकर आएंगे, 300 पिक्सल नीचे लेकर आएंगे। 60 दिया, तो ये सब 300 होगा, ये भी 300 होगा, और ये भी 300 होगा, ठीक है। अभी सेव किया मैंने, फिर बैक दबाया, बैक दबाया, मूविंग बॉक्स रेट HTML दबाया, और HTML व्यूअर दबाया, हाँ नीचे आ गया। अच्छा ठीक है, अभी जो है फिर बैक दबाया हमने, यस नो एडिटर दबाया, एडिट दबाया। अभी जो है इसको जिगजैग करवाएंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर हाँ या फिर एंटर किया, यहाँ पर पेस करना है, पेस किया हमने। ये जो 60 था इसको हम 70 करेंगे, और ये जो 300 है इसको जो है 150 करेंगे, इसको भी 150, हाँ 150 होगा। और एक बार यहाँ पर जो है फिर एंटर दबाया, फिर पीस यहाँ जो था 70, इसको 80 कर लेते हैं। अभी जो है वाई का होगा 300, है ना, 300 नीचे, 300px, और ये जो है एक्स का होगा 0। अभी सेव करता हूँ, बैक स्पेस बैक दबाया, सॉरी मूविंग बॉक्स HTML दबाया, HTML व्यूअर दबाया, चेक 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 चेक, हाँ देखा आपने। लेकिन अपने स्थान में प्रोग्रामेटिकली लेकर जाएंगे इसको। फिर एडिट में दबाया, और इस बार जो है यहाँ पर फिर एंटर दबाया हमने, इसको दबा कर रखना है दोस्तों। इस बार मैं 100 देता हूँ, क्योंकि हमारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम। इसमें जो है दोस्तों 0 दे दूंगा, 0 है एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन भी 0, जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पर जाकर ख़त्म होगा, उसके बाद फिर इन्फिनिट लूप होके वो प्रक्रिया चलता रहेगा, मूवमेंट। सेफ किया, बैक मूविंग बॉक्स डॉट HTML, HTML व्यूअर, देखिए उसी स्पीड में अभी जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन मिलने के लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।